गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने सर्व समीका के बारे में अध्ययन किया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न नंबर एक का सवाल नंबर चार लेते हैं। 3a-1/2, 3a-1/2। अभी तक आप लोगों ने तीन सवाल पढ़ लिए, सवाल नंबर चार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी सर्व समीकाएँ यहाँ लिख दी हैं। अब आप गौर करके देखिए कि इनमें से कौन सी सर्व समीका काम आएगी। सबसे पहले इसे 3a-1/2 का होल स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें सर्व समीका नंबर दो काम में आ रही है। सर्व समीका नंबर दो क्या कहती है? a-b सर्व समीका क्या कहती है? a-b का होल स्क्वायर। क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर a का मान कितना है? 3a। हमें क्या करना है? 3a का होल स्क्वायर। प्रत्येक सवाल तीन लाइन का ही है हमारे पास। यहाँ पर माइनस 2, दो ब्रैकेट लगा दो, प्लस बी कितना है? माइनस 1/2। तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1/2 का स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में हम पहली संख्या लिखते हैं 3a, यहाँ पर 1/2। अब देखिए 3 × 3 = 9a² ठीक है, माइनस 2 से 2, 3a प्लस 1/4 आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ऊपर से गुणा कर लीजिए, 2 × 3 = 6a, यानी ये क्या होता था? 6a/2। इसको काट दोगे तो भी क्या आएगा? 3a। गौर से देखा ना आप लोगों ने भी, तो जरूरी नहीं कि आप करें। दोबारा से देखें इस सवाल को। 3a² पहले ब्रैकेट, ए स्क्वायर का मतलब 3a² माइनस 2, कोष्टक में 3a पहली संख्या, कोष्टक 1/2, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर। 3 × 3 = 9a², 2 से 2 कट गया, 3a प्लस 1/2 का वर्ग कितना होता है? 1/2 × 1/2, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, 1/4। अगला सवाल देखिए, का पांचवा सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। a² + b² - a² + b² हमें पता है कि ये बीच में माइनस का चीज को बीच में लिखेंगे, यानी इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? a² + b² न लिखकर अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, b² + a² और b² - a², क्योंकि हमें सर्व समीका के रूप में बनाना है कि जब इस प्रकार की संख्या आ जाती है तो एक प्लस का, एक माइनस का, माइनस वाले को लिख दिया। अब यहां गौर करके देखें, ऐसी स्थिति में कौन सी सर्व समीका काम में आ रही है? सर्व समीका नंबर है 3। लिखेंगे सर्व समीका, देखिए सर्व समीका a + b (a-b) = बताया था आपको a² - b², यानी a² का मतलब किसका हुआ? b² का स्क्वायर, माइनस b² का मतलब कितना हुआ? a² का स्क्वायर। यहां देखें, a की जगह b² है, b की जगह a² वही मान रख देंगे। अब b² का स्क्वायर क्या बना? b⁴ -a⁴, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है, b² का स्क्वायर b⁴, a² का स्क्वायर a⁴। ऐसा ही आप एक सवाल और देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां पर हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं आ रही है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। सर्व समीका, अब गौर करके देखिए कि क्या सर्व समीका हमारे पास में काम आ रही है। सर्व समीका कौन सी आएगी? a + b (a-b) = a² - b². अब गौर से देखें कि a² - b²
यानी ए का मतलब कितने का हुआ, 1.1 एम का वर्ग, क्योंकि ए की जगह क्या है 1. बीच में माइनस का चिन्ह, 0.4 का वर्ग। अब देखिए 1.1 को जब 1.1 से गुणा करेंगे 1.21 यानी 1.21 एम स्क्वायर, 0.4 को 0.4 से गुणा करेंगे 0.16, यही हमारे आंसर आएंगे। कैसे आए गुणा करने पर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.1 गुणा 1.1, 11 को 11 से गुणा करते हैं 121, पॉइंट एक रेख दो के बाद लग गया। इसी प्रकार 0.4 को देखिए, 4 गुणा 4 कितना 16, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, दो के बाद, तो होगा कि नहीं हुआ। चौथा सवाल बड़ा सिंपल, इसका सबसे सिंपल सवाल है सर्वसमीकरण। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइएगा कि यहां पर कौन सी सर्वसमीकरण काम में आएगी, वही काम में आ रही है क्या सर्वसमीकरण। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब किसका वर्ग करेंगे, 6 एक्स का, 7 का मतलब, अब तो आप समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर क्या आएगा, 6×6=36 और 7 में एक्स स्क्वायर माइनस 49। शायद ये समझ में आ गया होगा 36 कहाँ से आए, 6 को 6 से गुणा किया, 49 कहाँ से आए, 7 को 7 से गुणा किया, आंसर आ गया 36×2−49। अच्छी तरह देखिए, गौर से देखिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी आप लोगों ने भी देखा, इसको फिर एक बार दोबारा और देख लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग 6 का वर्ग 36×2, 7 का वर्ग बी का स्क्वायर, मतलब सेकंड संख्या 7 का वर्ग कितना होता है 49, यही हमारा आंसर आ गया। शेष सवालों को आप करके देखिएगा, फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।